धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सदन में खड़ा हुआ हूं, प्रस्तुति कर रहा हूं। आज माननीय प्रस्तुति डॉक्टर हिना गावित जी के प्रस्ताव और एसपी सिंह बघेल जी द्वारा प्रस्तुति प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, गरीब की जिंदगी में तीन चीजों की आवश्यकता होती है। लोगों ने, बहुतों ने कहा तीन चीजों की, रोटी, कपड़ा और मकान। ये देने का काम देश के प्रधान सेवक मोदी जी ने किया। इन्होंने कहा, इन्होंने किया नहीं, वो किया मोदी जी ने। आज प्रधानमंत्री आवास जिस तरह से एक गरीब के जीवन में उसका जीवन बदलने का काम किया, इनको कांग्रेस वालों को ये नहीं पता होगा छप्पर क्या होता है, झोपड़ी क्या होती है। वो गरीब जो चौमासे जो बारिश पड़ती है, जब गरीब उस झोपड़ी में रहता है और उस पर पानी टपकता है, वो खाट नहीं खटोला बनाने का काम करता है, पर बच्चे को सूखे में सुलाने के लिए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। यह है गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच। अब आप कहेंगे मकान दे दिया। मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं, जिस तरह से मकान देने के बाद उसमें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, सौभाग्य योजना से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौभाग्य योजना से बिजली देने का काम किया, वो भी निःशुल्क, केबल फ्री, स्विच फ्री, बल्ब फ्री, मीटर फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, गरीब को रोशनी मिले। क्योंकि गरीब पहले मिट्टी का तेल लेकर, सीसी लेकर, ढक्कन में छेद करके बाती लगाकर पढ़ाई करता था, आज उसे रोशन करने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर घर को पानी, स्वच्छ पानी मिले, उसके लिए हर घर नल योजना से स्वच्छ पानी देने का काम किया है। क्योंकि अध्यक्ष जी, मकान मिल गया, रोशनी मिल गई, शिक्षा के लिए, पीने के लिए पानी मिल गया, श्री अन्न योजना से उसको राशन देने का, मुफ्त राशन देने का काम किया, ये मोदी जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, श्री अन्न योजना से राशन देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे मकान मिला, रोशनी मिली, पानी मिल गया, राशन मिल गया, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला से उसे रोटी बनाने के लिए गैस प्रदान की। ये मोदी जी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। उसको रोटी, जिस तरह से आज उज्ज्वला गैस देने के बाद उसने रोटी खा ली, सब काम हो गया, रात को सो गया, सुबह उसको आवश्यकता पड़ती है शौचालय के लिए, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से उसे शौचालय देने का काम, बहनों को स्वच्छ भारत मिशन शौचालय देने का काम किया। ये मोदी की सरकार है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप कहेंगे गरीब का मकान मिल गया, बिजली मिल गई, पानी मिल गया, शौचालय मिल गया, अन्न मिल गया। अगर काश करो कोई गरीब बीमार हो जाता है, उसके लिए देश के मोदी जी ने क्या किया, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का उसे आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। वो कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सब में वो इलाज फ्री करा पाएगा, उसके लिए गरीब के लिए 5 लाख तक का बीमा उसे देने का काम किया। ये अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सरकार गरीब, अब आप कहेंगे गरीबों को, पहले मैं देखता था, मैंने गरीबी में जिंदगी काटी है, मेरी माँ को अगर अपने पिता से, मेरे पिता से पैसे बचा के रखती थी तो रजाई के तकिए के कवर में पुड़िया बांध कर रख देती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोलने का काम किया, बैंक अकाउंट खुलवाने का काम किया। यह है मोदी की सरकार। आज आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गरीब रेहड़ी पटरी, नाई की दुकान, मोची की दुकान के लिए लोगों पर पैसा नहीं होता, वो ब्याज पे पैसा लेके आते थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री मुद्रा से लोन देकर देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का काम किया। यह है मोदी और कांग्रेस की सरकार में फर्क। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा जिस तरह से लोगों ने कहा कि किसान का हम वो करेंगे, ये करेंगे, कांग्रेस हमेशा किसान को गरीबी रखा, किसान को हमेशा गरीब रखा। अगर मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि को देकर उन किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, यह है मोदी सरकार। आज जिस तरह से
सुकन्या योजना लाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा के लिए एक बचत बेटी, जिस तरह समाज में कन्या शिशु की सोच बदलने का काम किया। अब आपने कहा प्रधानमंत्री आवास दिया, रोशनी दी, सौभाग्य योजना, सब कुछ देने के बाद बच्चे को पढ़ाई के लिए आवश्यकता पड़ती है गरीब के लिए, उसके लिए अटल आवासीय विद्यालय जिसमें शिक्षा फ्री, किताब फ्री, ड्रेस फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये मोदी जी की सरकार। आप देख रहे विकसित भारत 2047 तक, जिस तरह से गांव गांव विकसित भारत यात्रा चल रही है। हमारी बहन जो गरीब है, जिसको व्यवसाय नहीं है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसके लिए नमो डोड दीदी लाकर लखपति बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह है मोदी की सरकार। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी लखपति दीदी बहनें जिस तरह से काम कर रही हैं, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जाति घोषित की, गरीबी, किसान, नारी और युवा। मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ का खिलाड़ी रिंकू सिंह आज क्रिकेट खेल रहा है, उसकी किसी को जाति नहीं पता है, वह केवल युवा है, युवा युवा है। किसान किसान होता है, जब किसान एक कलेक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कलेक्टर साहब मैं तो आपका किसान हूं, वो ये नहीं कहता कितना बड़ा किसान, मैं तो किसान हूं। एक गरीब गरीब होता है, एक नारी नारी का रूप होता है। अध्यक्ष महोदय, ये 4 जाति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, ये देश बदल रहा है, ये भारत बदल रहा है। जिस तरह से धारा 370-35 है, कोई भी लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा छाती पर हाथ मार के इसलिए कहा गया, वो भारत माता का बेटा है, वो भारत के लिए जीता है, इसलिए ये कहा गया। यही भाव होना चाहिए हमारी रगों में, ये भारत का खून है, इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये करके दिखाया, धारा 370 और 35 से हटा के दिखाई। महोदय, आज जिस तरह कोरोना चल रहा था, अन्य पार्टी कांग्रेस हो अन्य पार्टी हो घरों में छिपे पड़े थे, लोगों को लग रहा था हमारी जान न चली जाए, देश के प्रधानमंत्री अमित देश के मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा क्लियर आदेश था, लोगों का गरीबी की सेवा करिए, रोड पर जाइए, खाना दीजिए, चप्पल पहनाइए उनको जिस पर नहीं है, राशन दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उनको वैक्सीन लाने का काम गरीब के लिए मोदी जी ने किया। ये है मोदी सरकार। जिस तरह से आज अध्यक्ष महोदय, छोटी सी गलती पर मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक कांग्रेस के नेता शिक्षा मंत्री पूर्व में अर्जुन सिंह जी के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, वहां पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ते। अध्यक्ष महोदय, मैंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा, माननीय मोदी जी मेरे यहां पर ये एससी एसटी के बच्चे नहीं पढ़ते। उन्होंने जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलग यूनिवर्सिटी देने का काम किया अलीगढ़ के अंदर। यह है मोदी, यह है मोदी की सरकार। आज अलीगढ़ के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, हमारी सेना, मेरे अलीगढ़ के बच्चे जब अलीगढ़ में उत्पाद गोले बारूद जब सीमा पर आवश्यकता पड़ी चलाने का काम करेंगे, उन्हें सीना चौड़ेगा इस देश का प्रधानमंत्री, गरीब माँ का बेटा ने, इस प्रधान सेवक ने उनको अपने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में देने का काम किया। यह है मोदी सरकार। मैं अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज पहले क्या था अध्यक्ष महोदय, पहले यह था मोदी से पहले राजा थे, मोदी के बाद सेवक है, मोदी से पहले राजपथ था, मोदी के बाद कर्तव्य पथ है, मोदी से पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है, मोदी से पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है, मोदी से पहले आतंक था, मोदी के बाद शांति है, मोदी से पहले गरीबी थी, मोदी के बाद समृद्धि है, मोदी से पहले बेरोजगारी थी, मोदी के बाद कौशल है, मोदी से पहले विभाजन था, मोदी के बाद एकता है, मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है, मोदी से पहले तुच्छीकरण था, मोदी के बाद विश्वास है, मोदी से पहले परिवारवाद था, मोदी के बाद लोकतंत्र है, मोदी से पहले भय था, मोदी के बाद धैर्य है। ये है राम राज, ये है राम राज, ये है इसे कहते हैं राम राज। भारत माता की जय। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।